दुनिया के सबसे बड़े जंगल। दोस्तों, अब जब दुनिया से पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, ऐसे में भी कई ऐसे जंगल हैं जिन्होंने अपने पांव जमा कर इंसानों का सामना किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल की, वो जंगल जो करोड़ों साल से यहाँ मौजूद है, वो जंगल जो घर है खूंखार आदमखोर जानवरों का। तो चलिए दिल को थाम कर वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, मिंदो नाबिलो क्लाउड फॉरेस्ट। दक्षिणी अमेरिका में फैले इस जंगल को अगर दुनिया का सबसे ठंडा जंगल कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये जंगल लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल अमेजन के जंगल से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इसका मौसम अलग होने के कारण ये उसका हिस्सा नहीं है। इस जंगल में 1600 से भी अधिक पशु पक्षी, मेंढक और अन्य जानवरों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। यहाँ साल भर लगातार बारिश होती रहती है, जिस कारण ये जंगल जली कीड़ों से भरा रहता है। नंबर टू, डेंट्री जंगल। ऑस्ट्रेलिया में स्थित डेंट्री रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों का घर है। ये जंगल 2600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, इसका प्रसार किसी फिल्म के सेट जैसा नज़र आता है। इस जंगल में 3000 से भी ज़्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा भी है। इसमें सभी प्रकार की तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकट चार्ज करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना जंगल है और इसकी उम्र 165 मिलियन सालों से भी ज़्यादा है। ये कई सदियों से अपने वजूद में है, और ये जंगल डर और रोमांस का अनोखा मिक्सर है। और यहाँ कई प्रकार के खूंखार जानवर पाए जाते हैं जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। नंबर थ्री, किनाबालू राष्ट्रीय पार्क। मलेशिया में स्थित ये जंगल 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल मलेशिया की पहली विश्व धरोहर भी है। पहाड़ों से घिरा ये जंगल डिज्नी की किसी फिल्म के सेट जैसा नज़र आता है। दोस्तों, ये पार्क हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है, जिस कारण यहाँ मौजूद जानवरों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन वो जानवर जो खूंखार और आदमखोर हैं अब तक सही सलामत हैं। दिन के दौरान ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना नज़र आता है। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पार्क में उगने वाला गोल्ड आप किनाबालू आर्किप दुनिया में सबसे महंगे फूलों में से एक है। ये फूल 15 सालों में एक बार खिलता है। नंबर फोर, सुंदर वन जंगल। दोस्तों, सुंदर वन जंगल की लंबाई कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये पूरे बांग्लादेश को ढक देता है और साथ ही साथ भारत के भी कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और सफ़ेद रंग का बाघ केवल सुंदर वन में ही पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होने के कारण सुंदरवन काफ़ी ज़्यादा डरावना और खूबसूरत भी है। ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है, जिस कारण आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडिया का ये नेशनल पार्क दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। इस जंगल में पक्षियों की 365 प्रजातियाँ और कछुए की 11 प्रजातियाँ, मछलियों की 350 प्रजातियाँ और 30 तरह के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर फाइव, वाल्डिवियन वर्षावन। 2,48,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला वाल्डिवियन फॉरेस्ट साइंस के यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा है। दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में फैला हुआ जंगल है। मुख्य तौर पर ये चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। दोस्तों, ये एक रेन फॉरेस्ट है, जिस कारण यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। इस जंगल में 122 से भी ज़्यादा तरह के पौधे पाए जाते हैं। लगातार बारिश के कारण यहाँ पेड़ काफ़ी ज़्यादा ऊंचे और घने होते हैं, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती।
दोस्तों यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। इस जंगल में 122 दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं जो एक अलग ही पहचान देते हैं। इस जंगल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का जहर इंसानों के लिए बहुत ही घातक है। नंबर 6, ट्रॉपिकल वर्षा वन। दक्षिण चीन में फैला ट्रॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंगलों में से एक है। दोस्तों ट्रॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 वर्ग किलोमीटर है और ये चाइना के बड़े हिस्से में फैला है। ट्रॉपिकल जंगल में 3500 से भी ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिस कारण ये जंगल साइंस के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज़्यादा योगदान है। टोंगास जंगल। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जंगल टोंगास जंगल है। ये जंगल 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया को कवर किया हुआ है, यानी कि इसका पूरा एरिया श्रीलंका के पूरे एरिया से भी ज़्यादा है। यह जंगल एक द्वीप पर बसा हुआ है और यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका के अलास्कास क्षेत्र में फैला है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अलास्का में सोने की खाने मौजूद हैं। टूरिस्ट विजिट के मामले में ये जंगल दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले जंगलों में से एक है। हर साल इसे देखने के लिए लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों ये जंगल जानवरों और पक्षियों के साथ ही आदिवासी इंसानों का भी घर है। यहाँ 75,000 से भी ज़्यादा लोग 32 अलग अलग आदिवासी समुदाय में रहते हैं। नंबर 1, कांगो वर्षा वन। 2,23,428 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला कांगो जंगल आकार में अलास्का और दक्षिण अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों कांगो में 10,000 से भी ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अभी तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है। दोस्तों कांगो रेन फॉरेस्ट में लगातार बारिश होती रहती है, जिस कारण कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में कुल 500 से भी ज़्यादा वैरायटी की मछलियां पाई जाती हैं। और इस नदी का नाम कांगो नदी है जो 4700 किलोमीटर लंबी है। कांगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है और यहाँ भी कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो किसी भी इंसान को मिनटों में ख़त्म कर सकती हैं। कांगो में ऐसे जानवरों की भरमार है। कांगो जंगल में 1,000 से भी ज़्यादा तरह के पशु पक्षी और 500 से भी ज़्यादा तरह के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। नंबर 9, टैगा जंगल। हमारे देश में नंबर 1 पर है ये टैगा जंगल। दोस्तों टैगा 1,20,00,000 से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल है। टैगा जंगल एशिया, अमेरिका, रूस, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। और तो और दोस्तों ये जंगल आर्कटिक महासागर में भी मौजूद है। अगर इस जंगल का टोटल एरिया देखा जाए तो टैगा भारत और चीन के पूरे एरिया से भी ज़्यादा बड़ा है। उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण ये जंगल बहुत ही ठंडा है। टैगा के कई हिस्सों में लगातार बर्फ गिरती रहती है। दोस्तों टैगा का जंगल इतना ज़्यादा भयानक है कि इसे पेड़ पौधे भी आसानी से झेल नहीं पाते, इसीलिए यहाँ 2 से 3 प्रकार के पेड़ ही पाए जाते हैं। इस जंगल में रहने वाले भालू इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। नंबर 10, अमेजन वर्षा वन। 70,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला अमेजन जंगल पूरी दुनिया में जंगलों का राजा माना जाता है। दोस्तों ये जंगल पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और वेनेजुएला जैसे देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में कई झरने मौजूद हैं। अमेजन जंगल करोड़ों पक्षियों और जानवरों का घर है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इस कारण यहाँ साल में लगातार बारिश होती रहती है। अमेजन के जंगल जहाँ जानवरों के लिए स्वर्ग है तो वहीं ये इंसानों के लिए किसी बुरे सपनों से कम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो इंसानों को कच्चा चबा जाने की दम रखते हैं। पूरी दुनिया को लगभग 20% तक ऑक्सीजन देने वाला ये जंगल पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस जंगल के कई पेड़ इतने ज़्यादा बड़े और घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। दोस्तों अमेजन जंगल की और अच्छे से जानकारी चाहिए तो इस भयानक जंगल के रहस्यों के बारे में
कुछ वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जा कर के उस लिंक पर क्लिक करिए और इस भयानक जंगल के रहस्यों को और खूंखार जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, भविष्य में अगर आपको इन जंगलों में से किसी एक जंगल में घर बनाना हो तो आप कौन से जंगल से घर बनाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।